बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC कैंसर संस्थान, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं संपूर्ण कैंसर हॉस्पिटल, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी मिसाल की जिसमें लाख हिंदू मुस्लिम कर लिया जाए लेकिन भारतीय संस्कृति, उसकी विरासत व सांप्रदायिक सौहार्द को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। कोई कोशिश करेगा भी तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि हम पहले पड़ोसी हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान। शापिर गेट पर आज एक हिंदू का अंतिम संस्कार मुस्लिम लोगों के हाथों हुआ। आम दिनों में यह आम हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच पैदा किए जा रहे तनाव के बीच यह खबर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने वालों के मुंह पर सीधा तमाचा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेरठ के कोतवाली क्षेत्र के शापिर गेट इलाके की। यहाँ रमेश चंद्र माथुर अपने परिवार के साथ रहते हैं। लंबी बीमारी के चलते आज उनका निधन हो गया। लॉकडाउन के दौरान तमाम परेशानियाँ थीं, लेकिन आसपास के तमाम मुस्लिम समाज के लोग वहाँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। सभी ने मिलकर सारे इंतजाम किए, स्वयं अर्थी बनाई और सजाई, फिर कंधा भी दिया और अंतिम संस्कार में भाग लिया। सांप्रदायिक सौहार्द की यह मिसाल आज लोगों के बीच चर्चा बनी रही। आइए देखते हैं। कुलकीर्ति भूषण, भूषण जी आज एक घटनाक्रम हुआ है। ये बीमार चल रहे थे बहुत दिन से। कौन थे ये लोग? ये रमेश चंद्र माथुर है इनका नाम। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे सज्जन आदमी रहे, सबसे मिलजुल वाले रहे। एक डेढ़ महीने बीमार चल रहे थे बस। आज जैसे कि अंतिम संस्कार का समय आ रहा है और यहाँ मुस्लिम समाज भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये तो 100 साल से खड़े हमारे साथ में, 100 साल से खड़े हैं हमारे साथ में, इनसे क्या कहना? संदेश देना चाहते हैं? सब फिर तैयार हैं, संदेश देना चाहते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। तो 100 साल से इनके ताऊ चचाओं को सब इन्होंने करा है। क्या कहना चाहेंगे आज के माहौल को, जैसे आज का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? माहौल तो हमेशा एक रहता है, भाईचारा है, तो मतलब लोग बिगाड़ते हैं। ये इनका रमेश माथुर का यहाँ पर इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया है, तो क्योंकि काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। अब जो है ये शाम का वक्त हो रहा है तो इनके क्रियाक्रम की तैयारी चल रही है। जैसा रमजान का टाइम चल रहा है, आप सब लोग यहाँ पे एकत्र हैं इनके अंतिम क्रियाक्रम में, जी तो जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो भाईचारे का ही संदेश देना चाहते हैं, और क्योंकि हमेशा से हम लोग साथ खड़े हुए हैं, पूरा मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा हुआ है। रमेश माथुर यहाँ बहुत पुराने रहने वाले थे, कायस्तों की ये धर्मशाला है, यहीं रहते थे, मंदिर में रहते थे, यहीं सफाई करते थे। और इनका भी दोपहर में देहांत हो गया 2 बजे के आसपास। इनके 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में एक यहाँ है, तो सारे मुस्लिम लोग मिलकर आपस में इनका क्रियाक्रम करेंगे। कोई संदेश देना चाहेंगे? यही हिंदू मुसलमान एकता की संदेश है कि हिंदू गुजरा है कि मुसलमान उसको कंधा देंगे।